बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए बहुत काम के नुस्खे। नंबर एक, साग के अंदर मक्खन डालकर खाने से रात को बार बार पेशाब आना रुक जाएगा और ये बॉडी को एकदम फिट बनाता है। नंबर दो, रोटी दूध में डुबोकर खा लेने से बीमारियां दूर रहती हैं और चमड़ी बूढ़ी नहीं होती। नंबर तीन, रात को सोते समय अपना सिर ढककर सोए, ऐसा करने से सिर में खून का बहाव तेज होता है जिससे हमारे सिर को ताकत मिलती है और बाल काले रहते हैं। नंबर चार, रोजाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिस्क बढ़ता है। नंबर पाँच, जब भी सुरमा लगाओ उससे पहले आँखों को तेजी से झपकाओ, आपकी नज़र तेज हो जाएगी। नंबर छः, सलाद का इस्तेमाल दोपहर को खाने में करना मौसमी असरात से महफूज रखता है। नंबर सात, देसी घी इस्तेमाल करने से आपका शरीर ताकतवर और मजबूत हो जाता है और जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। नंबर आठ, खुश्क पुदीना शरीर पे मल लेने से शरीर के दाग खत्म हो जाते हैं। नंबर नौ, सफ़ेद प्याज को बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नंबर दस, अगर आपके बालों में पसीना आता है और बदबू आती है तो शैम्पू में चीनी डालकर लगाएं और बाल धो लें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। नंबर ग्यारह, सुबह नाश्ते के बाद दो अंजीर खा लेने से लिकोरिया की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। नंबर बारह, रोजाना खाने के साथ खीरा खाए, ये बहुत सी बीमारियों से बचाता है। नंबर तेरह, यदि आप एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं तो कभी भी खाना बनाते समय उसमें नींबू का रस ना डालें। नंबर चौदह, जिन लोगों में खून की कमी होती है उन्हें बैंगन नहीं खाना चाहिए। नंबर पंद्रह, उबले हुए आलू को खाने से दिल स्वस्थ रहता है। नंबर सोलह, भीगे हुए किशमिश के सेवन से आप अपने वजन को बढ़ा सकते हैं। किशमिश का सेवन रोज करने से यह जल्द ही आपके शरीर में वजन की वृद्धि करता है। किशमिश खाने से आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। नंबर सत्रह, बर्तन साफ करने से हाथ खुरदुरे हो जाते हैं, इन पर दूध में नींबू का रस मिलाकर लगाएं, आपके हाथ सुंदर होने लगेंगे। नंबर अठारह, अगर होठों का रंग हरा लाल नजर आता है तो यह आपकी सेहत के लिए खराब है। ऐसे होठों का मतलब है कि आपका लीवर कमजोर है और यह आवश्यकता से अधिक एवं कठिनाई पूर्वक कार्य कर रहा है। नंबर 19, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में तेल की मालिश हमेशा नहाने से पहले करनी चाहिए। यदि आप नहाने से पहले तेल की मालिश करते हैं तो नहाने और मालिश करने के बीच में थोड़ा गैप देना जरूरी होता है। नंबर 20, नॉनवेज खाने के बाद दूध ना पिए, इससे शरीर को नुकसान पहुंचता है। नंबर 21, रात की रानी के पौधे की जड़ का पानी निकाल कर पीने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। नंबर 22, लगभग 50 ग्राम बड़ी इलायची को तवे पर रख कर भूनते हुए जला लीजिए। ठंडी होने के बाद इस इलायची को पीस कर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को नियमित रूप से सुबह पानी के साथ खाली पेट लेने से बवासीर की समस्या ठीक हो जाती है। नंबर 23, छोटे बच्चों को रोजाना एक केला खिलाया करो, बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होंगी। नंबर 24, रोटी खाने के बाद आम खाने से सीने की जलन खत्म हो जाती है। नंबर 25, सांवले रंग वाले लोग कच्चे दूध का इस्तेमाल करें, रंग गोरा हो जाएगा। नंबर 26, बॉडी को खूबसूरत करना है तो रोजाना अंजीर के 5 दाने खाया करें। नंबर 27, गाय का दूध पियो, ये चेहरे को निखारता है और जिस्म को सेहतमंद करता है। नंबर 28, अगर थकावट महसूस हो तो नमकीन पानी पी लिया करो। नंबर 29, कपूर का तेल और नारियल को एक साथ मिलाकर सिर पर मसाज करें और सुबह शैम्पू कर ले, इससे डैंड्रफ और जुए खत्म हो जाते हैं। नंबर 30, कच्चे आम के छिलकों का काढ़ा बनाकर 2 दिन तक एक एक चम्मच पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नंबर 31, नीम और बेर के पत्ते बालों की जड़ में लगाकर कुछ देर बाद बाल धो ले, इससे बाल लंबे और सुंदर होते हैं। नंबर 32, आप मखाने के 4 दानों का सेवन करके शुगर से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। इसके सेवन से शरीर में इंसुलिन बनने लगता है और शुगर की मात्रा कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे शुगर रोग भी खत्म हो जाता है। नंबर 33, दिल के लिए फ़ायदेमंद मखाना केवल शुगर के मरीज के लिए ही नहीं बल्कि हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों में भी फायदेमंद है। इनके सेवन से दिल स्वस्थ रहता है और पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है। नंबर 34, तनाव कम, मखाने के सेवन से तनाव दूर होता है और अनिद्रा की समस्या भी दूर रहती है। रात को सोने से पहले दूध के साथ मखानों का सेवन करें और आप खुद फर्क महसूस करेंगे।
नंबर 35 कच्चे आलू का रस निकाल लें और अपनी आँखों के नीचे काले घेरों पर कुछ दिन रोजाना 5-10 मिनट लगाएं, इससे वह काले घेरे हट जाएंगे। नंबर 36 ज़्यादा पानी पिया करो, गुर्दे खराब नहीं होंगे। नंबर 37 अगर आपके शरीर में खून की कमी है और हर वक्त आपको थकान महसूस होती है तो अनार और चुकंदर का जूस पिए, इससे आपके शरीर में खून बढ़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। नंबर 38 अगर नींबू का अचार खराब होने लगे तो थोड़ा सा सिरका डालकर हल्की आंच पर गर्म कर ले, इससे अचार खराब नहीं होगा। नंबर 29 अगर आपको गैस की समस्या है तो दालचीनी को पानी में उबालकर ठंडा कर ले और सुबह खाली पेट पिए, गैस से आपको आराम मिलेगा। नंबर 40 अगर आपके आँखों के नीचे डार्क सर्कल है तो आलू के स्लाइस करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। अब आलू की स्लाइस को अपनी आँखों पर रख कर 20 मिनट के लिए लेट जाइए, इससे आपके डार्क सर्कल ठीक हो जाएंगे। नंबर 41 एक गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा और 1 टुकड़ा गुड़ डालकर 4 मिनट के लिए उबाले, अब ठंडा करके इसे पी ले, इससे आपके रुके हुए पीरियड्स आ जाएंगे। नंबर 42 दुबले पतले लोग अपने कम वजन को लेकर दुखी रहते हैं, यह लोग जो भी कुछ खाते पीते हैं वह शरीर में नहीं लगता है। अगर आप भी अपने दुबले पतले और कमजोर शरीर से परेशान हैं तो इसका मतलब है आप अपने खान पान पर सही तरह ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हम आपको ऐसे उपाय और खाने के कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे जो दुबलेपन से छुटकारा दिला सकते हैं। नंबर 1 दुबलापन दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए भरपूर नींद लेना बहुत जरूरी है। एक अच्छी नींद लेने से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और पुरानी कोशिकाएं नई कोशिकाओं में तब्दील हो जाती हैं, इसलिए रात को खाना खाने के बाद आपको जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, इससे शरीर में फुर्ती बनी रहेगी और दुबलापन से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। नंबर 2 दुबलेपन से राहत पाने के लिए पानी का भरपूर सेवन करें, क्योंकि पानी शरीर में मौजूद जहरीले पदार्थ को निकालने में मदद करता है, इससे भोजन भी ठीक प्रकार से पचता है। नंबर 3 अगर आप दुबलेपन को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए रोजाना 1 गिलास दूध पीने की आदत डालें। दूध में 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाकर सेवन करना फ़ायदेमंद हो सकता है। नंबर 4 अगर आप अपने शरीर का वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 1 दिन में 5 से 6 बार खाना चाहिए। आप हर 3 घंटे में खा सकते हैं और ध्यान रहे कि खाना थोड़ा थोड़ा ही खाएं, क्योंकि एक बार में ज़्यादा खाने से आपको अपच की समस्या हो सकती है। नंबर 5 दुबलेपन को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रोटीन का सेवन करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए मेवा, अंजीर, बादाम, काजू, मूंगफली, अखरोट आदि का सेवन करें। नंबर 6 दुबलापन दूर करने में आलू का सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आलू में वसा, कैलोरी और फाइबर की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जो फैट बढ़ाने में मदद करता है, जिससे दुबलापन दूर होने में भी मदद मिलती है। नंबर 7 आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, इससे आपके मसल्स बढ़ने लगेंगे। ट्रेनिंग के दौरान धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ाने के साथ साथ वजन बढ़ाना भी शुरू करें, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि एक साथ ज़्यादा वेट उठाने या वर्कआउट करने का प्रयास मत कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू है तो फॉलो कीजिएगा। बाय बाय, आप सभी स्वस्थ रहिए।